हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। आज हम टारगेट नीट 2019 प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। इसमें मैं जो कुछ भी पॉइंट्स अंडरलाइन और हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अक्सर ऑब्जेक्टिव्स में यही पूछा जाता है, सो आप इन सब को मार्क कर लीजिए। इंट्रोडक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव्स के लिए। और ये साइंटिस्ट के इंट्रोस भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन है? ऐसा एंस्ट मेयर, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। यहाँ पे व्हाट इज लिविंग, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। ग्रोथ इज थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। प्लांट्स का ग्रोथ इनडेफिनेट होता है। और यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अब हम जाते हैं रिप्रोडक्शन पर। ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेट फीचर नहीं होता है, क्योंकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रोथ होते हैं। रिप्रोडक्शन में ये सब एग्जांपल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि प्लेनेरिया शोज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। ये सब एग्जांपल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर यही पूछा जाता है। और नेक्स्ट आते हैं मेटाबॉलिज्म पर। और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मेटाबॉलिज्म। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में शो करता है, और मेटाबॉलिज्म डेफिनेट फीचर है। यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन करके दिया है। ये हर एक पॉइंट आप मार्क कर लीजिए। कौन सा भी इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यही पॉइंट्स पूछे जाते हैं, आप चेक कर सकते हैं ये चैप्टर के। और एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेफिनेट फीचर है। और नेक्स्ट जाते हैं इंटरैक्शंस। इंटरैक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, या ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। जाते हैं ओके। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, आपको स्पीशीज का डेफिनेशन याद कर लेना है। स्पीशीज प्रेजेंट स्पीशीज जो है वो 1.7 टू 1.8 मिलियन है। इसे ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है।
बस मैं जो कुछ भी अंडरलाइन कर रहा हूँ आप यही पॉइंट्स पढ़िए और याद करिए। और ये ICBN और ICZN ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब आता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनेयस। सॉरी दोस्तों, ये देखता हूँ। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। ये चार पॉइंट आपको कभी भी पूछे तो आपको याद रहना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इस चैप्टर से ऐसे वाले यही पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। और ये अब्रिवेशन, नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन, और नीचे और ये टैग्सा का डेफिनेशन भी याद रखना है ताकि आपको समझ आने में कन्फ्यूजन ना हो। टैक्सोनॉमी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, अलॉन्ग विद स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको इसमें से स्टेटमेंट्स वाइज क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। और सिस्टमैटिक्स, बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, अपने नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।